हिमाचल के नॉर्थ जोन में आपराधिक गतिविधियों और उनको रोकने के लिए दूसरे विभागों के सहयोग से धर्मशाला में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। नॉर्थ जोन के डीआईजी संतोष पटियाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हर प्रकार के अपराधों पर चर्चा की गई और इन्हें कैसे रोका जाए इस पर भी अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए। बैठक में महिला अपराधों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। वहीं पुलिस थाना में आने वाले हर व्यक्ति की बात सुनने के निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को दिए गए। बैठक की अध्यक्षता डीआईजी नॉर्थ जोन संतोष पटियाल ने की। बैठक में जिला कांगड़ा चंबा व ऊना के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। संतोष पटियाल ने बताया कि बैठक में अपराधों व अन्य मामलों की समीक्षा की गई। संतोष पटियाल ने बताया कि बैठक में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों पर चर्चा की गई है। पूर्व में जिस एरिया में ड्रग पेडलर और ड्रग एडिक्ट अधिक होते थे उन क्षेत्रों में अब काफी हद तक स्थिति नियंत्रण में है। ड्रग समाज के लिए बहुत खतरनाक एंगल है जिस पर हम काम कर रहे हैं। नशा निवारण कमेटियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करके नशे के खिलाफ काम किया जा रहा है। डीआईजी ने बताया कि खनन एक्ट में 36 के लगभग विभाग हैं जिन्हें कार्रवाई का अधिकार है। खनन के मामलों में नॉर्थन रेंज चालान भी बड़े हैं, जुर्माना भी बड़ा है। खनन विभाग का भी ऐसे मामलों में सहयोग लिया जाता है। पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में कार्रवाई में इजाफा किया गया है। पुलिस को निर्देश दिए हैं कि पुलिस थाना में जो भी व्यक्ति आता है उसकी बात सुनी जाए, न कि उसे जज किया जाए। जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा तो पुलिस को जनता का सहयोग भी मिलता और जनता का भला भी होता है। सही में देखा जाए तो जनता ही पुलिस की ताकत है। सोलन शहर जहां हर वर्ष 20% के हिसाब से आबादी बढ़ रही है, जिसके चलते सड़कों पर जहां वाहनों की आवाजाही बढ़ती जा रही है, वहीं बाजारों में भी ग्राहकों और पैदल चलने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते बाजारों की सड़कें भी छोटी पड़ने लगी हैं। ऊपर से बाजारों में दुकानदार लगातार अतिक्रमण कर सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा सामान लगाने लगे हैं। यही वजह है कि बाजारों की सड़कों पर अतिक्रमण के कारण भीड़ में आम जनता का चलना भी दूभर हो चला है। कई बार चलते समय अगर रास्ते में फैलाया सामान राहगीर से गिर जाता है तो व्यवसायी उससे लड़ाई झगड़े पर भी उतर आते हैं। नगर परिषद समय समय पर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई अमल में लाती है, लेकिन अभी तक इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। सोलन की जनता ने कहा कि जहां एक ओर बाजारों में हो रहे अतिक्रमण में बाजार की सुंदरता खराब हो रही है, वहीं आने जाने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण के कारण आम जनता और व्यापारी का आपसी भाईचारा भी खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद समय समय पर बाजार में कार्रवाई अमल में ला रही है, लेकिन ये नाकाफी सिद्ध हो रही है। इसलिए नगर परिषद को चाहिए कि वे कुछ और कड़े कदम उठाए ताकि बाजारों से अतिक्रमण पूरी तरह से हट जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के कारण आपातकाल में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि जिला प्रशासन को और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।